महिला कांग्रेस शाहपुर ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के साथ कांग्रेस कार्यालय रैत में कोरोना वायरस महामारी के चलते महिला कांग्रेस शाहपुर के कार्यों की समीक्षा की और लॉकडाउन में इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए और गरीबों की सहायता के लिए अगली रणनीति भी बनाई। प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया ने बताया कि लॉकडाउन एक, लॉकडाउन दो और लॉकडाउन तीन में महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, पेंशनर संघ, सोशल मीडिया कांग्रेस के द्वारा लोगों की सहायता के लिए कई कार्य किए गए थे। उन्होंने सभी का कार्यों के लिए धन्यवाद किया और उनकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि शाहपुर कांग्रेस इस संकट की घड़ी में विधानसभा शाहपुर के 112 बूथों में कांग्रेस द्वारा बनाई गई आपदा प्रबंधन कमेटियों के माध्यम से जनता के साथ खड़ी दिखी। आज ब्लॉक महिला कांग्रेस की बैठक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें मैं लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, लॉकडाउन थ्री, लॉकडाउन फोर के लिए तो हमने रणनीति बनाई, जो उन्होंने एक तो रिव्यू मीटिंग ली। लगभग 5,000 मास्क इन्होंने घर में बैठ के बनाए थे और बांटे थे। महिला कांग्रेस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और खासकर 18,000 रुपया उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो कंट्रीब्यूट किया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और लॉकडाउन फोर के लिए भी हमने आज इनको कपड़े दिए हैं। जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगी अभी अपने घर पर मास्क बनाएंगी, जहाँ जहाँ कुल मिलाकर जरूरत पड़ेगी वहाँ हम महिला कांग्रेस की इस जो जो मुश्किल की घड़ी में ये योगदान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और लगभग लगभग हमने 20-22 हज़ार छात्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, NSI के थ्रू में मास्क, सैनिटाइजर और जो दूसरे अपना क्या कहते हैं राशन हमने बांटा है। कुल मिलाकर आज मैं महिला कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीना ठाकुर ने कहा कि शाहपुर महिला कांग्रेस ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगे कर्फ्यू में लगभग 5,000 मास्क खुद हाथों से बनाए और सैनिटाइजर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और आपदा प्रबंधन कमेटियों द्वारा वितरित किए गए और जगह जगह पर सैनिटाइजिंग भी करवाई गई और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न जैसी सामग्री बांटने का सराहनीय कार्य भी किया गया। उन्होंने बताया कि COVID-19 के लिए प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के माध्यम से महिला कांग्रेस शाहपुर ने प्रदेश सरकार को 17,700 रुपए की राहत राशि भी भेंट की है। ठाकुर प्रधान, महिला कांग्रेस शाहपुर। हमने जैसे ही शुरू में ये जैसे कोरोना का महासंकट आया तभी से जैसे पठानिया भाई जी के हमें दिशा निर्देश हुए तो हमने महिला कांग्रेस ने काफ़ी सारे मास्क बना के और जो भी हमसे हुआ वो हमने भाई जी के थ्रू सारे शाहपुर में वो मास्क बांटे हैं। और आज भी हमने महिला कांग्रेस की तरफ से कुछ पैसे इकट्ठा करके भाई जी के से यहाँ माध्यम से CM रिलीफ फंड में भेज रहे हैं। सैनी उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, और आज हम सभी महिला इसलिए इकट्ठी हुई है कि हमने चंदा इकट्ठा किया और CM फंड के लिए केवल ठाणी द्वारा भेज रहे हैं। और हम अपने शाहपुर के नेता पर गर्व भी करते हैं कि जो संकट की घड़ी में लोगों के साथ रहे, जो कि इतना महामारी जो इतनी फैली हुई थी उसकी वजह से सब लोग अपने अपने इलाकों में छुपे हुए थे, मगर हम पठानी जी की दाद देते हैं। इन्होंने इस पूरे शाहपुर को सैनिटाइजर करवाया, खाने वाले को खाना दिया, गरीब लोगों की सहायता की और हम सभी महिलाएं इनके साथ हैं। और हम अपने मैं मुद्रा पंचायत से रामश्याम महिला मंडल की प्रधान भी हूँ। अपनी महिला मंडलों की तरफ से मैंने 7,000 का इकट्ठा करके रिलीफ फंड में CM फंड में भेजा पठानिया द्वारा। तो मैं पठानिया जी का और अपनी महिलाओं का, और मैंने जो मास्क बनाकर कुछ पंचायतों में जो मास्क आए उसमें वो अपने अपनों को बांट दिए और गरीब बेचारे जो खेतों में काम करने वाले जो असहाय लोग उनको कोई नहीं पूछ रहा था उसके लिए मैंने 10 मीटर कपड़ा लिया और मैंने मास्क बनाए और उनके घर घर जाकर देकर आई, उनको मैंने वो मास्क भी बांटे। और आज हम मास्क भी पठानिया जी की बदौलत सबको बांट रहे हैं और हमें जो गाइडलाइन करेंगे उसका हम अनुसरण करेंगे। और इसी के लिए मैं अपनी शाहपुर से पठानिया जी का और अपनी महिला कांग्रेस का धन्यवाद करती हूँ। जय जय भारत।